नमस्कार दोस्तों, ईजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है उस पर हम डिस्कस करेंगे WAG-12। WAG-12 जो है वो भारत का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली फ्रेट लोकोमोटिव इंजन है। अगर फ्रेट लोकोमोटिव की बात करें तो रेलवेज जो होती हैं वो दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जनरली। एक होती है पैसेंजर सर्विसेज और दूसरी होती हैं फ्रेट सर्विसेज। पैसेंजर सर्विसेज, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जिसमें यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, वहीं फ्रेट सर्विसेज जो होती हैं उसमें सामान को, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। मालगाड़ियां आप सभी लोगों ने देखी होंगी, उसमें जो है वो आप लोग देखिए तो कभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, कभी कोयला जा रहा है, कभी अनाज जा रहा है। तो ये जो सर्विस होती है इसको फ्रेट सर्विस कहते हैं और इसमें जो इंजन यूज़ होता है उसको फ्रेट लोकोमोटिव कहते हैं। तो उसी सीरीज में WAG-12 जो है वो भारत का सबसे पावरफुल फ्रेट लोकोमोटिव इंजन है। इस टॉपिक की महत्ता और ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। और उसी इनिशिएटिव के अंतर्गत WAG-12 को बिहार के मधेपुरा की एक रेलवेज की फैक्ट्री में बनाया गया है। तो ऐसा होने के कारण इसकी जो है वो इस टॉपिक के पूछे जाने के एग्ज़ाम में प्रोबेबिलिटीज और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि WAG-12 क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशंस पे बात करेंगे और उसके बाद जो है वो इसके सारे पहलुओं पर एक छोटी चर्चा होगी और लास्ट में मधेपुरा की उस फैक्ट्री के बारे में भी बात होगी जहाँ पर इसको बनाया गया है। मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में टेक्निकल डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है। हम सिर्फ उतनी ही जानकारी लेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो दोस्तों, आइए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। WAG-12, इंडियाज मोस्ट पावरफुल फ्रेट लोकोमोटिव। तो WAG-12 जो है वो इलेक्ट्रिक फ्रेट व्हीकल है, इलेक्ट्रिक फ्रेट लोकोमोटिव है। WAG की बात करें तो WAG का मतलब होता है वाइड या ब्रॉड गेज AC इलेक्ट्रिक गुड्स या फ्रेट। तो ये जो है वो सिर्फ फ्रेट लोकोमोटिव के लिए यूज होता है, WAG क्लास जो है। और इलेक्ट्रिक है मतलब कि ये बिजली से चलता है, मतलब कि ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनसे इसको चलाया जाता है। इसका जो निर्माण है, इसका जो प्रोडक्शन है वो एल्स्टॉम और इंडियन रेलवेज ने मिलकर किया है। एल्स्टॉम जो है वो फ्रांस की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी कई सारी ब्रांचेज इंडिया में मौजूद हैं। और ये जो कंपनी है ये रेलवे ट्रांसपोर्ट, सिग्नलिंग, लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर, इन सारी सर्विसेज में इन्वॉल्व है। इस इंजन के बारे में, इस लोकोमोटिव के बारे में एक बड़ी चीज़ ये भी है जानने लायक कि ये पहला भारत का लोकोमोटिव है जो कि 10,000 हॉर्स पावर से ज़्यादा का है। इसके पहले जो फ्रेट सर्विसेज थी वो WAG-9 के माध्यम से चलाई जा रही थी, मतलब WAG क्लास का WAG-9 एक इंजन था उससे चल रही थी। उसकी जो पावर थी वो WAG-12 की पावर से लगभग आधी थी। WAG-12 की पावर में जो 12 है वो 12,000 हॉर्स पावर को सिग्निफाई करता है। इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिक होने के कारण जो भारतीय रेलवेज का एक एम है कि रेलवेज को ग्रीन रेलवेज में कन्वर्ट किया जाए, इंडियन रेलवेज को ग्रीन रेलवेज में कन्वर्ट किया जाए, उसकी तरफ भी ये बहुत बड़ा कदम है। अब भी पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी ट्रांजिशन के बारे में, एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में कि कैसे जो है वो हम जो ट्रेडिशनल इस समय एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ होते हैं जैसे कोल या पेट्रोलियम वगैरह, तो उनसे कैसे हम ग्रीन रिसोर्सेज की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो उस तरफ भी ये बहुत बड़ा कदम है। तो न्यूज़ में ये हाल ही में इसलिए है क्योंकि एल्स्टॉम ने WAG-12 की डिलीवरी इंडियन रेलवेज को शुरू कर दी है और इस डिलीवरी के शुरू होने के साथ ही साथ WAG-12 जो है वो भारतीय ट्रैक्स पर दौड़ने वाला सबसे शक्तिशाली फ्रेट इंजन बन जाएगा। कुछ दिन पहले WAG-12 का एक रन अभी कंडक्ट किया गया था जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे का पार्ट है, वहां से कंडक्ट किया गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो है वो इसका इससे पहले नाम मुगल सराय जंक्शन था। तो जो हमारी पहली WAG-12 इंजन की ट्रेन चली थी वो अभी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से चली थी और वो वेस्ट बंगाल में गई थी। ये जो फैक्ट है ये स्टेट PSCs में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो पहला WAG का रन था वो किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच में हुआ था। तो ये टॉपिक भी आपको, ये पॉइंट भी आपको याद करने की जरूरत है। अब इतने शक्तिशाली इंजन को बनाने के साथ ही साथ भारत जो है वो उन देशों के एक एलीट क्लब में शामिल हो गया है जो कि इस तरह के शक्तिशाली इंजन बनाने की क्षमता रखते हैं। और रेलवे ऑफिशियल्स ने इसकी टेक्निकल डिटेल्स में जाते हुए बताया कि इसका नाम जो है वो WAG-12 रखा गया है
और इसका नंबर रखा गया है, और इसका नंबर जो है वो 60027 है। अब अगर इसकी पहली रन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से इसको चलाया गया था, और ये बर्धवान में गया था, वेस्ट बंगाल में एक ज़िला है बर्धवान, वहाँ तक गया था। इसकी शक्ति की, इसकी पावर की आपको अंदाज़ा यहीं से लग जाएगा कि अपने पहले रन में इसने 118 बोगियों को बर्धवान तक पहुँचाया। दूसरी चीज़ इसके बारे में जानने लायक ये भी है कि दुनिया में पहली बार है जबकि ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक पर इतना शक्तिशाली जो है वो रेलवे इंजन चल रहा है। साथ ही साथ इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इसमें हाई फ्रिक्वेंसी का जीपीएस लगा हुआ है, जिससे कि रियल टाइम पे इसकी ट्रैकिंग जो है वो संभव हो पाती है, बहुत ही आसान हो पाती है। इसके बाद अगर बात करें तो ये जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी शुरुआत जो है वो 2018 में हुई थी। मार्च 2018 में इसका पहला प्रोटोटाइप जो है वो जारी किया गया था। और जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया, ये पॉइंट भी वही है कि प्राइम मिनिस्टर का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसकी तरफ ये बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ा बूस्ट है। तो अब दोस्तों, जो हमने WAG-12 पर बात कर ली है, तो हम अब एक डिस्कशन करेंगे WAG-12 के इंडियन रेलवेज में आने से जो बेनिफिट्स इंडियन रेलवेज को होंगे उन पर एक चर्चा हम करेंगे। तो पहला और सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि इस इंजन के इतना शक्तिशाली होने के कारण लगभग 6000 टन को जो है वो ये 120 किलोमीटर की गति से, 120 किलोमीटर पर आवर की गति से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। तो जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा और साथ ही साथ वो बहुत ही सेफ भी हो जाएगा। इसके बाद ये जो इंजन है इसको DFC मतलब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बनाए जा रहे हैं उन पे चलने के लिए इसको बनाया गया है, और जो अभी तक की ट्रेन्स की जो एवरेज स्पीड थी उनसे 20 से 25 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा जो है वो इसकी स्पीड होगी। इसके बाद इसके अगले बेनिफिट की बात करें तो इसमें जो है वो एक इंसुलेटेड, टेक्निकल टर्म है इसके बारे में हम नहीं जानेंगे, इसमें जानने लायक ये है कि इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक सिस्टम होता है जिसमें कि जब ट्रेन धीमी होती है तो जो ट्रेन की काइनेटिक एनर्जी होती है उसको ये स्टोर कर लेता है ताकि वो एनर्जी बाद में यूटिलाइज हो सके। तो जो इससे जो है आप समझ सकते हैं कि एनर्जी कंजम्पशन जो है वो ट्रेन का वो कम हो जाता है। तो इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है तो ओवरऑल जो एनर्जी कंजम्पशन है ट्रेन का वो कम रहेगा। अब इसके साथ ही साथ ये ऑपरेशनल कॉस्ट को तो कम करेगा ही, इसके अलावा ये एक ट्रेन में इतना सारा सामान इसमें लादा जा सकेगा, जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया 6000 टन लगभग सामान लादा जा सकेगा। तो इससे जो इंडियन रेलवेज का कंजेशन वाली प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब इसके बाद इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जोर डाला जा रहा है कि 90% तक इसका लोकलाइजेशन हो, मतलब लोकली जो है वो सामान सारा बनाया जाए, इसको बनाने में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो 90% तक लोकली ही बनाई जाए। और इसका जो डिलीवरी शेड्यूल है उसके हिसाब से हर साल 100 लोकोमोटिव इंजन जो है वो डिलीवर किए जाएंगे, और जो लक्ष्य रखा गया है वो ये है कि 2028 तक एल्स्टॉम जो है वो इंडियन रेलवेज को 800 WAG-12 लोकोमोटिव इंजन डिलीवर कर देगा। तो इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब जैसा वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि एक छोटा सा डिस्कशन जो है वो जो मधेपुरा की फैक्ट्री है उसके बारे में भी होगा, तो आइए दोस्तों उस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बिहार में मधेपुरा में एक फैक्ट्री सिचुएटेड है जो कि बताया जाता है कि 250 एकड़ में फैली हुई है, तो वहाँ पर इसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, और कहा जाता है कि उस जो फैक्ट्री की कैपेसिटी है वो 120 लोकोमोटिव हर साल बनाने की कैपेसिटी है। और साथ ही साथ ये जो फैक्ट्री है इसको दुनिया की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पर जो है वो डेवलप किया गया है। तो कहा जा रहा है कि आगे के जो रेलवे के मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस होंगे उनमें जो है वो उन पर इसका बहुत तगड़ा तगड़ा प्रभाव पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और ये जो है वो एक गेम चेंजर की तरह काम करेगी और भारत की स्थिति जो है वो इससे बहुत सुधर जाएगी रेलवे ट्रांसपोर्ट के मामले में। अब इसके बाद इसकी कैपेसिटी पर हमने बात कर ली कि 120 लोकोमोटिव पर ईयर बनाएगी। तो इस तरह देखा जाए तो जो एल्स्टॉम का लक्ष्य है, जो लक्ष्य रखा गया है कि 2028 तक 800 कोचेस डिलीवर, 800 इंजन डिलीवर करने हैं, तो मधेपुरा की जो फैक्ट्री है वो बहुत आसानी से ये टास्क पूरा कर लेगी। इस फैक्ट्री के चारों तरफ, इस फैक्ट्री के एरिया में जो कि 250 एकड़ में फैला हुआ है, उसमें यहाँ के ऑफिशियल्स और स्टाफ को रहने के लिए जगह भी बनाई गई है, उनके लिए क्वार्टर्स भी बनाए गए हैं। तो ये फैक्ट्री फुल वेल इक्विप्ड है, यहाँ पर जो है वो फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी होगा, साथ ही साथ स्टाफ के रहने की भी जगह होगी, और बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर डेवलप की जा रही हैं। तो इसकी इम्प्लीकेशंस अगर देखी जाएँ तो आप समझ ही सकते हैं कि जब किसी फैक्ट्री की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है और वहाँ पर इतनी सारी सुविधाएँ हैं तो वहाँ पर जो जॉब जनरेशन होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा।
रेलवे के ऑफिशियल्स का कहना है कि लगभग 10,000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स हर साल इससे जो है वो क्रिएट होंगे जब फैक्ट्री ये काम करना शुरू कर देगी। इसके साथ ही साथ जो है वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव जो होता है उसके तहत मधेपुरा की ये जो फैक्ट्री है ये एक प्रोग्राम शुरू करेगी जहाँ पर लोकल यूथ्स को जो है वो टेक्निकल एजुकेशन भी देगी ताकि वो भी वर्कफोर्स में इंक्लूड हो सकें, वर्कफोर्स को ज्वाइन कर सकें। तो इस वीडियो में जो डिस्कशन किया हमने उसमें हमने जाना कि WEG 12 क्या है, उसके बारे में हमने डिटेल ले ली, जो जितना जानना हमारे लिए ज़रूरी था वो हमने जान लिया। रीजनरेटिव ब्रेकिंग वगैरह जो है वो इम्पोर्टेंट टर्म है, नए टर्म है, उनके बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली। इसके साथ ही साथ मधेपुरा की जो फैक्ट्री है उसके बारे में हमने बात की और वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ की क्या कैपेसिटी है, ये सारा डिस्कशन हमने आज ख़त्म कर लिया। तो WEG 12 में इससे बाहर से क्वेश्चंस आना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, ये जो पूरा टॉपिक था वो इस वीडियो को देख के समझा जा सकता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।